नमस्कार सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज गए 17 मई, बड़ी खबर निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें, आतंक को जिंदा रखने के लिए हो रही कश्मीरी हिंदुओं और प्रवासी श्रमिकों की टारगेटेड किलिंग, लेकिन जड़ से खत्म कर देंगे जल्द ही से हम, आर्मी कमांडर का बड़ा ऐलान। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में मोर्चा संभाले आर्मी कमांडर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दूसरी बड़ी अपडेट, लुम्बिनी में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाइना को दिया झटका। नेपाल में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भगवान श्री राम के लगे जय जय श्री राम के नारे। तीसरी बड़ी अपडेट, बॉर्डर पर चाइना की नई चाल, भारत की तैयारियों को देखकर चाइना हुआ सतर्क, भारतीय सीमा के पास करने लगा तेजी के साथ कंस्ट्रक्शन। चौथी बड़ी अपडेट, बांग्लादेश के पास 5 महीने का खजाना। बड़ी खबर, श्रीलंका की राह पर चली बांग्लादेश, हालात बद से बदतर होने वाले, वो हम आपको बताएंगे। उस बीच बड़ी खबर, फिर से बिलबिलाए मुस्लिम देश, भारत के खिलाफ उगला जहर, OIC इस्लामिक सहयोग संगठन ने क्या कुछ कहा है भारत को लेकर, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच, भारत ने रोका गेहूं तो दुनिया में भुखमरी के कगार पे, जबरदस्त तरीके से गेहूं में उछाल, 5,000 रुपए क्विंटल बिक रहे हैं विदेशों में गेहूं। हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं, मोदी सरकार ने गेहूं पर रोक लगा दी है, एक एक करके बताएंगे। वहीं श्रीलंका में पाई पाई को मोहताज, श्रीलंका पेट्रोल खत्म, दवाइयां खत्म, खाने पीने की चीजें खत्म, पीएम ने एयरलाइंस के निजीकरण का रखा प्रस्ताव। तो एक एक करके बताएंगे, ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद वजू खाना सील, कोर्ट के आदेश पर CRPF भी तैनात, एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को देख सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर से, आर्मी कमांडर का बड़ा ऐलान, बोले आतंक को जिंदा रखने के लिए कश्मीरी हिंदुओं और प्रवासी श्रमिकों को टारगेटेड किलिंग किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही खत्म कर देंगे इस समस्या को भी। सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि कश्मीरी हिंदुओं और प्रवासी श्रमिकों की टारगेटेड किलिंग आतंक के जिंदा रखने की साजिश का हिस्सा है। आपको बता दें कि सेना के कमांडर ने कहा, हमने बहुत बड़ी चुनौतियों से हम निपट चुके हैं। आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है, पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर से खत्म हो रही है, युवा जो है मेन स्ट्रीम राह पे आ रहे हैं, यानी वो सुधर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कुछ आतंकी जो है इसे आतंक टारगेटेड किलिंग यानी चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या करके माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बड़ी समस्याएं टल गई हैं, बड़ी समस्याओं को ख़त्म कर दिया है, इन छोटी टारगेटेड किलिंग को भी ख़त्म कर देंगे। बचे खुचे आतंकी अपनी अंतिम सांस और अंतिम दिन गिन रहे हैं, उनका जल्द ही सफाया किया जाएगा। आपको बता दें, इस बीच कमांडर का बड़ा ऐलान करती उन्होंने कहा है कि हमने एक नई स्ट्रेटजी तैयार की और आतंकियों को सफाई के लिए, उन्होंने कहा है कि आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, गजनबी फोर्स, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, गिलानी फोर्स, लश्कर ए मुस्तफ़ा व जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर समेत कई संगठनों की हिट लिस्ट तैयार की गई है, इनके कमांडरों को 72 होड़ों के पास भेजना ये सेना की पहली प्राथमिकता है। यानी जितने संगठन हमने आपको बताया, यही संगठन जो है ये आग से खेल रहे हैं कश्मीर में, और यही कारण है कि इनकी टारगेटेड और इनके कमांडरों की हिट लिस्ट तैयार होनी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, इस देश की इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता ही, और जय हिंद लिखना मत भूलेगा। हम चलते हैं और अपडेट, नेपाल पहुंच गरजे प्रधानमंत्री मोदी, चाइना को दिया झटका, चाइनीज एयरपोर्ट पर उतरने से इनकार। दरअसल लुम्बिनी में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, नेपाल के बिना भगवान राम भी अधूरे हैं, बुद्ध से बताया अपना खासा रिश्ता। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन ने 10 बड़ी बातें कही हैं, कई चीजों का आधारशिला भी रखा है। पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं, इतना ही नहीं चाइना को भी झटका दे दिए है प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने कहा है, जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे नाम अधूरे हैं, मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना रहा है तो नेपाल के लोग भी उतने ही खुश हैं। उन्होंने कहा है कि नेपाल यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत संगरमाथा का देश, नेपाल यानी दुनिया के अनेक पवित्र तीर्थ मंदिरों और मठों का देश, और नेपाल के बिना भारत भगवान श्री राम अधूरे हैं। हालांकि आपको बता दें, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ना कहीं तरीके से भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध की मूर्ति का शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री मोदी अलग ही अंदाज में दिखे और यहाँ पर बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला भी रखी है। तो दोस्तों पीएम मोदी जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ आधारशिला रख के आते हैं और जम्मू कश्मीर नेपाल में भी आधारशिला रख दी है। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बॉर्डर पर चाइना चाल, अरुणाचल में भारतीय सीमा के पास ड्रैगन तेजी से करने लगा कंस्ट्रक्शन का काम, भारतीय सेना से हुआ अलर्ट। दरअसल आपको बता दें भारतीय सेना अतिरिक्त तैनात की चाइनीज सीमाओं पर होने शुरू हो गई एलएसी पे खास करके। वहीं भारतीय सेना के पूर्वी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कालिता ने सोमवार को कहा है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से कर रहा है। इसके साथ ही चीनी सीमाओं के पास अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। हालांकि कालिता ने कहा है कि भारतीय पक्ष सीमा पर उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सीमा के पास भारतीय सेना भी अपनी बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को लगातार विकसित कर रहा है। दरअसल भारतीय सेना के पूर्वी कमान प्रमुख ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि तिब्बत क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण क्षेत्र यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास बहुत सारे बुनियादी ढांचे का विकास चल रहा है। दूसरा पक्ष लगातार अपनी सड़क, रेल और हवाई संपर्क को विकसित कर रहा है ताकि वो किसी स्थिति का जवाब देने वालों को जुटाने का बात कही है। तो सीमा पे चाइना जहाँ एक तरफ हरकत कर रहा है वहीं सेना भी अलर्ट। हम चलते हैं और अपडेट, बांग्लादेश के पास 5 महीने का खजाना, श्रीलंका की तरफ कंगाली की तरफ बड़ा दिवालिया की तरफ देश। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भी अब तक सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश की मुद्रा में भारी गिरावट आई है, विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है। इसी बीच खबर यह है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जरूरी वस्तुएँ, कच्चे तेल, माल, ईंधन, सामान ढुलाई आदि की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से बांग्लादेश पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जुलाई से मार्च तक की अवधि में बांग्लादेश के आयात खर्च में 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बांग्लादेश के अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस तेजी से बांग्लादेश का आयात खर्च बढ़ रहा है उस हिसाब से निर्यात में होने वाले आय नहीं बढ़ी है, इससे व्यापार घाटा बढ़ा है और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव बढ़ रहा है। हम चलते हैं और अपडेट, कश्मीर में मोदी सरकार के इस कदम से बिलबिलाए मुस्लिम देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस्लामिक सहयोग संगठन वाईएसी के सचिवालय ने जम्मू कश्मीर के चुनावी क्षेत्र के परिसीमन के प्रयासों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल वाईसी ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा है कि भारत का प्रयास जम्मू कश्मीर की जनसंख्या यानी डेमोग्राफी ढांचे को बदलने और कश्मीरी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन बताया है। ओआईसी ने कहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया चौथे जिनेवा कन्वेंशन सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। ओआईसी सचिवालय ने जम्मू कश्मीर पर अपने पुराने रुख पर इस्लामिक समिट और ओआईसी के विदेश मंत्रियों के परिषद के फैसलों का जिक्र करते हुए ये बातें कही हैं। हम चलते हैं और अपडेट, भारत की ओर से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद यूरोपीय बाजारों में खलबली, कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची हैं। दरअसल भारत की ओर से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूरोपीय बाजार में गेहूं की कीमतों में सोमवार को भारी उछाल देखने को मिला है। सोमवार को यूरोपीय बाजार खुलते ही गेहूं के दाम 435 यूरो यानी 453 डॉलर प्रति टन पहुंच गई है और इस फरवरी में रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ जंग के ऐलान और उनके एग्रीकल्चर पावर हाउस पर हमले के बाद वैश्विक स्तर पर गेहूं की आपूर्ति नहीं होने की आशंका बढ़ गई है जिसकी वजह से कीमतों में उछाल भी देखा गया है। आपको बता दें पिछले साल के रिकॉर्ड देखें तो वैश्विक स्तर पर गेहूं निर्यात के लिए इन दोनों देशों का 12% योगदान था। दुनिया भर में खाद्य की कमी और खराब फसल की वजह से वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ी है, गरीब देशों में स्थिति ठीक नहीं चल रही, सामाजिक अशांति की आशंका जताई जा रही है और यही कारण है कि पूरी दुनिया भर में अब भुखमरी की कगार पर बढ़ने लगे हैं। भारत ने गेहूं क्या रोका, दुनिया भर में मारामारी मच गई। एक और अपडेट, पाई पाई को मोहताज हुआ श्रीलंका पेट्रोल खत्म, पीएम ने एयरलाइंस को निजीकरण का रखा प्रस्ताव। श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच श्रीलंका ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से सोमवार को कहा है कि मैं श्रीलंकाई एयरलाइंस के निजीकरण करने का प्रस्ताव करता हूँ और जो इस समय घाटे में चल रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि उनका उद्देश्य संकटग्रस्त देश को बचाना है, साथ ही उन्होंने श्रीलंका के लोगों को बताया है
है कि दैनिक बिजली कटौती दिन में 15 घंटे तक बढ़ सकती है और फिर सिर्फ एक दिन के एक लिए पेट्रोल का स्टॉक देश के पास बचा है। दरअसल श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री ने इशारे उशारों में देश की जनता को यह बता दिया कि देश समय समय पाई पाई को मोहताज है और इसे हल करने में काफ़ी समय लग सकता है। उन्होंने कहा है कि अकेले 2020 और 21 का नुकसान 45 बिलियन श्रीलंकाई रुपए हो चुका है और यही कारण है कि आपको बता दें श्रीलंका में ज्ञानवापी मस्जिद केस पर 21 जून को हरिद्वार में होगा मंथन। साधु संतों ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने से उत्पन्न स्थिति पर हिंदू धर्म के साधु संतों अगले महीने विचार विमर्श करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने सोमवार को कहा है कि 11 और 12 जून साधु संत हरिद्वार में बैठक करेंगे और ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद स्थिति पर मंथन करेंगे और इस बैठक में 250 से 300 संत शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे के दौरान एक कमरे में शिवलिंग मिलने के स्वयं सिद्ध हो गया है कि वो मंदिर है। उन्होंने कहा है कि शिवलिंग दोनों पक्षों और उनके वकीलों की उपस्थिति में मिला है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिले इस शख्स को समस्त देशवासी स्वीकार करेंगे और इसका आदर करेंगे। शिवलिंग मिलने के बाद इसके जो स्वाभाविक परिणतियाँ हैं उसे उस तरफ आगे बढ़ेगा और उन्होंने बताया है कि न्यायालय ने ज्ञानवापी के शिवलिंग वाले हिस्से को सुरक्षित कर लिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। मोदी के दौरान दौरे में नेपाल के साथ 6 समझौते पर लगी मोहर। 695 मेगावाट पर पावर प्लांट बनाएगा भारत। दरअसल भारत और नेपाल के बीच बिजली व्यापार सौदे के तहत दोनों देश मिलकर 695 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण करने जा रहा है। भारत नेपाल में हाइड्रो पावर प्लांट के अलावा दुनिया भर में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। नेपाल में चाइना की बढ़ती सक्रियता के बीच माना जा रहा है कि भारत ने इस कदम से नेपाल में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। दरअसल नेपाल देश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपनी भौगोलिक स्थिति का दोहन करना चाह रहा था जिससे भारत उनकी मदद करेगा। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान 6 समझौते, एक में यह समझौता भी शामिल है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही, यानी नेपाल पहुंचे मोदी ने डील भी कर ली। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है अगली, जहां आपको बता दें वजू खाना सेल कोर्ट के आदेश पर सीआरपीएफ की हुई तैनाती ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग। दरअसल वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सटी ज्ञानवापी मस्जिद में स्थिति वजू खाना को सोमवार के शाम सील कर दिया गया। इसी वजू खाना में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा ठोक दिया है और इसके बाद कोर्ट ने वजू खाना को तत्काल सील करने और सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम प्रोटोकॉल, डीसीपी सुरक्षा और सीआरपीएफ कमांडेंट की मौजूदगी में सील करने की कार्रवाई पूरी कर दी गई है। वजू खाना को सीआरपीएफ के हवाले भी कर दिया गया है। सीआरपीएफ की टीम मस्जिद के अंदर वजू खाने के पास ही तैनात कर दी गई है। कोर्ट के आदेश पर लगातार तीसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू रहा, पूरा भी कर लिया गया। सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यहाँ स्थिति वजू खाना में शिवलिंग मिला है। आपको बता दें इस बीच हिंदू पक्ष ने तत्काल इसकी जानकारी अदालत को भी दी है और शिवलिंग की सुरक्षा की मांग कर दी है। तो दोस्तों ये चीज़ें निकल के आ रही हैं और आपको बता दें कोर्ट के आदेश के बाद अब सीआरपीएफ की तैनाती हो गई है और अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश किया तो तोड़ देंगे कोना कोना, हाल यूपी पुलिस कर देगी। हम चलते हैं कोर अपडेट। यूरोप बढ़ेगी महाभारत। फिनलैंड और स्वीडन बढ़ा रहे रूस का सिरदर्द। 8 पड़ोसी देश होंगे नेटो देशों का हिस्सा। दरअसल यूक्रेन पर रशिया के हमले के करीब 3 महीने बीतने वाले हैं और ये जंग किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई है। इस बीच रूस की एक और पुरानी स्वीडन और फिनलैंड बढ़ाने वाले हैं। आपको बता दें रूस के साथ सीमा साझा करने वाले दोनों देशों ने नेटो की सदस्यता लेने का ऐलान कर दिया है। अब दोनों देशों की संसद इस संबंध में प्रस्ताव पारित करेगी और फिर नेटो संगठन के समक्ष आवेदन पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया 2 सप्ताह में पूरी हो सकती है। इसी बीच रूस ने स्वीडन और फिनलैंड के प्लान को लेकर धमकी भी दी है और ये आपको बता दें इस बीच ये गलती होती है और उसका परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। आपको बता दें माना जा रहा है कि रूस की धमकी के चलते अब नाटो दोनों देशों को शामिल करने पर तेजी लाएगा ताकि किसी तरीके की सैन्य कार्रवाई में उनकी मदद की जा सके। आपको बता दें नाटो संगठनों के तहत सभी देश एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी देते हैं और यही कारण है कि नाटो में शामिल होना चाहता है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां मानसिक शांति के लिए गौतम बुद्ध के
उपदेशों को आत्मसात करें, दलाई लामा की लोगों से अपील की है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने सोमवार को अपील की है कि सच्ची मानसिक शांति के लिए लोग गौतम बुद्ध के कहे वचनों पर ध्यान दें। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध फेडरेशन द्वारा आयोजित समारोह में 14वें दलाई लामा ने वीडियो संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि आज हम बेशक मान रहे हैं कि इसी दिन 6 साल की तपस्या के बाद बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दलाई लामा ने शांति के लिए गौतम बुद्ध को उपदेशों के ज्ञान के आत्मसात करने की बात कही। एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है, चीन की खुफिया प्लान खुलासा, गुआम और ताइवान में अमेरिकी सैन्य अड्डे को तबाह करने की तैयारी में ड्रैगन पीपल्स लिबरेशन आर्मी कर रही है प्रैक्टिस लगातार। चीन जहाज़ों पर हमला करने की अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है। जहाज को तबाह करने का काम कुशलता हासिल करने के लिए चीनी सेना बड़े जंगी बेड़े को छोटे जहाजों और नौसेना ठिकानों को निशाना बना रहा है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट USNI द्वारा हाल ही में जारी की गई सेटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। आपको बता दें, ताइवान की राजधानी ताइपे में स्थित एक विश्लेषक के मुताबिक तस्वीरों से एक ट्रेनिंग बेस का पता चल रहा है। तस्वीरों में एक नौसैन्य अड्डे पर प्रैक्टिस के लिए मौजूद नकली जहाजों का देखा गया है। ये नौसैन्य अड्डा उत्तरी पूर्व ताइवान और गुआम में मौजूद अड्डों जैसा दिखाई दे रहा है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। बलूचों के हमले ने उड़ाई ड्रैगन की नींद। डर से सहमे चाइना ने पाकिस्तान से वापस बुला लिए अपने सभी चीनी टीचर्स। दरअसल पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में धमाकों में मारे गए चीनी नागरिकों के बाद अब चीन डर सता रहा है। दरअसल पाकिस्तान में मौजूद चीनी टीचर्स अब सुरक्षा को देखते हुए अपने देश लौटने लगे हैं। चीन ने खुद सभी टीचर्स को वापस बुला लिया और कराची यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले चीनी टीचर्स को रवाना कर दिया है। आपको बता दें, इस बीच डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने जियो न्यूज को इसकी जानकारी दी है। डायरेक्टर डॉक्टर नसरुद्दीन ने बताया, कराची यूनिवर्सिटी के अलावा पाकिस्तान के अलग अलग कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर्स को चीन वापस बुला रहा है। तो आप समझिए, चाइना और पाकिस्तान में दोस्तों इन दोनों दूरी बहुत बढ़ गई है। लेकिन आपको बता दें, इस चीज़ का खुलासा भले ही नहीं हो रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसको देखते हुए चाइना जो है पूरी तरीके से दबाव बना रहा है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान एक तरफ CPEC का पूरा प्रोजेक्ट रुका है, 10% प्रोजेक्ट में ही हालात जो है दोनों देश कंगाल हो गए। इतना पैसा लग रहा है कि 10% बनाने में ही हालात कंगाल हो गए। 100% बनाना और फिर चालू करना, ये इनके लिए महाभारत है। आपको बता दें, यही कारण है कि चाइना जो है पाकिस्तान की आँखें तरेर रही है, पैसा मांग रहा है। पाकिस्तान की हालत यह है कि अपनी ज़मीनें बेचने की तैयारी कर रहा है, अपनी क्या POK की ज़मीन देने की तैयारी कर रहा है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, एक और बड़ी खबर, जहां पर अयोध्या की तरह ज्ञानवापी का भी नक्शा हो गया तैयार। पूरा प्लान समझिए, अयोध्या की तरह ज्ञानवापी का भी नक्शा तैयार होगा। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में सामने आ रहे तथ्यों व चौधरी के हिसाब से नक्शा तैयार करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। नक्शे में वर्तमान के साथ पूर्व के रिकॉर्ड भी शामिल किए जाएंगे। नक्शा तैयार करने के लिए जिला प्रशासन ने VDA के दो ड्राफ्टमैन को लगाया है। दोनों ड्राफ्टमैन प्रतिदिन एक एक बिंदु की रिपोर्ट बनाते रहेंगे। आपको बता दें, ज्ञानवापी प्रकरण को अब अयोध्या प्रकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अयोध्या प्रकरण में भी शुरुआत में सर्वे हुआ था। ज्ञानवापी प्रकरण के पक्षकार और अधिवक्ता अयोध्या प्रकरण में हुई कार्यवाहियों का वर्तमान संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे के दौरान नक्शा बनाने की भी जरूरत बताई हुई है। अयोध्या प्रकरण में फैजाबाद सिविल कोर्ट ने 1 अप्रैल 1950 को विवादित स्थल का नक्शा बनाने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। बाद में भारतीय पुरातत्व की खुदाई के दौरान भी उसी नक्शे का आधार लिया गया था। पूरे प्रकरण में वो नक्शा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न सुनवाई में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। हम चलते हैं, एक और अपडेट। UN ने पाक को बताया सूखाग्रस्त देश, सिंध में पानी के लिए मचा हाहाकार। पाकिस्तान दुनिया के उन 23 देशों में से एक है जो पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से सूखे का सामना कर रहा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के में 17 जून को मरुस्थली और सूखा दिवस के मद्देनजर पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा गया, पिछली सदी में एशिया के सबसे अधिक सूखे देश प्रभावित हुए। पाकिस्तान के अलावा संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल अन्य 22 देश हैं, अफगानिस्तान, अंगोला, ब्राज़ील, बुर्कुआ फासो, चिली, इथियोपिया, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, केन्या, मलेशिया समेत कई ऐसे देश शामिल हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं।
दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है एक और, जहां आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, ग्रेटर नोएडा चिठेरा भू माफिया यशपाल तोमर के 135 बीघा जमीन कुर्ग यूपी में, आपको बता दें उसके घर पर चला बुलडोजर। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यही कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरीके से एक्शन के मोड में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है, ना झुकेंगे ना रुकेंगे और ना ही बुलडोजर रुकने वाला है। अपराधियों पर दोगुना और तिगुनी रफ्तार से चलेगा। यही कारण है कि पश्चिमी यूपी का टॉप भू माफिया यशपाल तोमर के 500 करोड़ की संपत्ति पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की आंखें तिरछी हैं। और यही कारण है कि अब आपको बता दें उस पर बड़े पैमाने पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो हो रही है। तो दोस्तों लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और बुलडोजर चल भी रहा है। फिलहाल एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। डिप्टी सीएम ने कहा अगर उपद्रव करने की कोशिश करते हैं तोड़ दो इनका कोना कोना। डिप्टी सीएम ने कहा सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है, लेकिन क्योंकि सत्य ही शिव है। बाबा की जय हो, हर हर महादेव। ज्ञान वापी मंदिर पर आपको बता दें हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश की इंडियन आर्मी के लिए